Good morning, everyone. Today we shall be discussing about lecture 5, analysis and design of axially loaded columns. So in the last sessions we have discussed about design of axially loaded strut. So that was also a compression member, but today we will discuss about columns. So columns ke design hum log kaise karenge. Sabse pehle hum log aaj ke session mein इसके एनालिसिस एंड डिजाइन में देखेंगे क्या स्टेप्स हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है. और इसके जो भी पहले के स्पेसिफिकेशन मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही बताया होगा कंप्रेशन मेंबर के, तो वो तो आपको सेम रहेगा, जो इफेक्टिव लेंथ निकालने का था, राइट. जो स्लेंडरनेस रेशियो की बात करते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन की बात करते हैं, सो ऑल द थ्योरीज विल बी सेम, ठीक है. प्लस जो भी यहाँ एजम्पशंस होते हैं कि स्ट्रेट कॉलम में जो है हमारा लोड जो लगेगा वो कंसेंट्रिक लगेगा, ये हमेशा ध्यान रखना है. इसेंट्रिक लोडिंग की हम लोग बात ही नहीं करेंगे. कंसेंट्रिक मतलब जो एक्सिस है, जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होता है कॉलम का, उसी पे लोड लगेगा. ये आपको एज्यूम करना है कि हर बार जो है हमारा जो सेंटर है इसी पे लोड लग रहा है और लोड जो है नीचे ट्रांसफर हो जाता है. तो ये ध्यान रखना है, हमेशा कंसेंट्रिक, कभी भी इसेंट्रिसिटी यहाँ नहीं आएगी, ऐसा हमने एजम्पशन कर लिया है. ओके, तो उसके बाद जो स्टेप्स है वो हम लोग आज देखेंगे कि कैसे हम लोग डिजाइन करेंगे. उसके बाद न्यूमेरिकल्स पे भी चलेंगे, जिसमें स्ट्रेंथ कैलकुलेशन एंड डिजाइन की हम लोग बात करेंगे, कैसे डिजाइन करेंगे किसी भी कॉलम को बेस्ड ऑन गिवन लोड्स एंड एंड कंडीशन, ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग स्टेप वाइज बढ़ते हैं आगे डिजाइन ऑफ एक्चुअली लोडेड कॉलम्स में. तो इनिशियली हमारे पास क्या गिवन डेटा होंगे, तो वो सेम चीजें हैं जैसा हमने जो स्ट्रट का डिजाइन करें तो कहा था कि लेंथ हमारा लोड दिया रहेगा. एक तो पी जो है वो दिया रहेगा, कितना लोड है इस लोड पे आपको कॉलम डिजाइन करना है. उसके बाद लेंथ दिया रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये चीजें तो आपको क्लियर है. जब भी आप डिजाइन करेंगे तो आपको पता रहेगा ना कि दो फ्लोर के बीच में कितना हमको लेंथ हाइट चाहिए, ठीक है. फ्लोर का हाइट पता रहेगा तो एटलीस्ट लेंथ आपको पता चल जाता है, लोड भी पता रहता है कि डेड लोड कितना आएगा, लाइव लोड कितना आ सकता है. अगर जैसे रूम है, अब रूम में जो है बहुत सारी चीजें हैं, कुर्सी टेबल भी तो लाइव लोड ही है, राइट. तो ये सब चीजें आप लोग कैलकुलेट करते हैं. तो एज अ इंजीनियर यही काम हम लोग का है कि लोड हम लोड असेंट जो लोड आएगा उसको भी हम लोग डिजाइन करें, डिजाइन लोड, ठीक है. क्या लेंथ देना है वो भी, बट ये चीजें हैं कि हमको प्रायर टू द डिजाइन हमें लोड पता चल जाता है, लेंथ पता चल जाता है. उसके अलावा एक और चीज पता चल जाएगा जो कि एंड कंडीशंस की हम लोग बात करते हैं. अब ये एंड कंडीशंस क्या है कि जो हमारा कॉलम होगा उसका जो एंड है, ठीक है, एक एंड हुआ, दो एंड हुआ, तो दोनों एंड पे किस तरह के कंडीशंस है, मतलब क्या ये फिक्स्ड होगा दोनों एंड पे, क्या कोई एंड फिक्स होगा, कोई हिंज होगा, क्या कोई फिक्स होगा, कोई फ्री होगा, क्या दोनों हिंज होगा. सो ये डिपेंड करेगा कंडीशंस पे. जैसे हमने आपको इफेक्टिव लेंथ के केस में बताए थे अलग अलग टाइप्स के, डिपेंडिंग ऑन जो हमारा एंड कंडीशंस है, रेजिस्टेंस है, दिए हुए रहते हैं और कोड में आपको ये चीज दे रखी है. तो स्टेप वन में जो सबसे पहले यहाँ करेंगे, ठीक है, वो है हमारा कैलकुलेशन ऑफ रिक्वायर्ड ग्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है. सो रिक्वायर्ड ग्रॉस सेक्शनल एरिया निकालने के लिए हम लोग लोड अपॉन एज्यूम्ड सिग्मा एसी, सिग्मा एसी आपको पता है कि दिस इज द परमिसिबल स्ट्रेस इन कॉम्प्रेशन. सो परमिसिबल स्ट्रेस हालांकि हमें इनिशियली पता नहीं चलता है, इट डिपेंड्स ऑन स्लेंडरनेस रेशियो एंड यील्ड स्ट्रेस जो हमारा स्टील बार यूज करेंगे या स्टील सेक्शन यूज करेंगे. सो यहाँ पे हम लोग बस एक रैंडमली एक फिगर एज्यूम कर लेंगे. यहाँ पे लिखा हुआ है कि एज्यूम सिग्मा एस सी 80 न्यूटन पर एम स्क्वायर फॉर सिंगल आई सेक्शन कॉलम. अगर सिंगल आई सेक्शन रोल सेक्शन कॉलम अगर आप लेते हैं तो आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, एक वह ये 80 जो है एज्यूम कर लीजिए और बना लीजिए. लेकिन वही अगर बिल्टअप सेक्शन की बात करेंगे तो वहां पे हमें क्या करना है, बिल्टअप सेक्शन में हम लोग सिग्मा एसी को 100 टू 110 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर एज्यूम करेंगे, ठीक है. ये सब जो भी डेटा लिखा दिख रहा है ये सब प्रैक्टिस के हिसाब से यहाँ पे दिया गया है, बट इसका देने का मीनिंग नहीं है, आपको अपने हिसाब से भी एज्यूम कर सकते हैं. लेकिन इस रेंज में जाएंगे तो आप अच्छे से डिजाइन कर पाएंगे, रिजल्ट अच्छा मिलेगा. अगर नहीं करेंगे तो आप ट्रायल करते रह जाएंगे बार बार, ठीक है. तो जब भी रोल सेक्शन हम लोग करेंगे, आई सेक्शन जनरली देखिएगा कॉलम्स में यूज करते हैं हम लोग, ठीक है. जैसे स्ट्रट में हम लोग क्या यूज करते हैं, एंगल स्ट्रट, उसका नाम ही एंगल स्ट्रट है, बिकॉज
हम लोग वहां पे एंगल्स यूज करते हैं, सिंगल एंगल डबल एंगल वो यूज करते हैं, बट कॉलम्स में जब करेंगे वहां पे आई सेक्शन काफी यूज होता है। बीम में जाएंगे वहां भी आई सेक्शन काफी यूज होता है, ठीक है। जो टेंशन मेंबर में गए ये पढ़ रहे थे हम लोग, टेंशन मेंबर क्या ज्यादा यूज करते हैं बोलिए, एंगल सेक्शन से। एंगल सेक्शन राइट, एंगल सेक्शन चैनल सेक्शन वो सब ज्यादा करते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग या तो आई सेक्शन यूज करेंगे या चैनल सेक्शन भी यूज कर सकते हैं। चैनल सेक्शन के अलावा हम लोग बिल्टअप सेक्शन भी यूज कर सकते हैं। अब बिल्टअप मतलब क्या हुआ कि दो चैनल को मिला के हम एक कॉलम बना रहे हैं इस तरह का, ये तो काफी यूज होता है। अपने रेलवे पे जो कॉलम्स देखते होंगे इसी तरह का देखा होगा, मतलब दो एंगल सेक्शन लगा रहता है, सॉरी एंगल बोल रहा हूँ मैं, दो चैनल सेक्शन लगा रहता है और इधर से बैटनिंग किया रहता है, लेसिंग किया रहता है, तो ये सब चीजें रहती है राइट। चलिए तो सबसे पहला काम हम लोग करेंगे स्टेप वन में, और वो काम है हमारा कैलकुलेशन ऑफ रिक्वायर्ड ग्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। अब हमारा स्टेप टू आएगा, तो ग्रॉस सेक्शनल एरिया मान लीजिए जो भी आ गया रिक्वायर्ड एजी जो निकल के आया, उसी के बेसिस पे हम लोग जाएंगे कहाँ, स्टील टेबल में, और स्टील टेबल से जाके हम लोग चूज करेंगे कोई भी आई सेक्शन हो गया वो चूज कर सकते हैं, चैनल सेक्शन चूज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब इस तरह से, क्योंकि कॉलम्स जो है उसमें जनरली आप देखिए आई सेक्शन काफी यूज किया जाता है, या आपको क्वेश्चन में ही लिख देगा कि डिजाइन कॉलम, ठीक है, जिसमें बीम सेक्शन को एज अ कॉलम डिजाइन करने बोलेगा, तो इसको बीम सेक्शन बोलते हैं जनरली, ठीक है। तो आई सेक्शन का यूज ज्यादा होता है, आप कोई भी सेक्शन चूज कर सकते हैं। उसके बाद आप बिल्टअप पे भी जा सकते हैं, ठीक है, बिल्टअप सेक्शन पे भी, तो बिल्टअप सेक्शन का भी डिजाइन हो सकता है अगर मान लीजिए गिवन है दिया रहे तो। अगर नहीं दिया रहता है तो हम लोग रोल्ड सेक्शन पे जाएंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा हम लोग रोल्ड सेक्शन चूज करेंगे, ज्यादा इधर उधर नहीं करेंगे राइट। चलिए सेलेक्ट अ सुटेबल सेक्शन यूजिंग रिक्वायर्ड, इसमें होगा रिक्वायर्ड ग्रॉस सेक्शनल एरिया फ्रॉम स्टील टेबल। तो ये काम तो आप बखूबी अब जान गए हैं, दो चार बार तो आपने किया ही है, तो अब तो ये समझ जाएंगे कैसे हम लोग चूज करना है, ठीक। तो प्रेफर करना है कि हम लोग आई सेक्शन चूज करें ज्यादा। चलिए स्टेप थर्ड की अगर बात करेंगे, तो जैसे ही आपने आई सेक्शन चूज किया उसके सारे प्रॉपर्टीज को हम लोग लिस्ट कर लेंगे, जितने प्रॉपर्टीज आपने कोड से स्टील टेबल से हम लोग नोट कर लेंगे कि उसका आई एक्स एक्स क्या है, आई वाई वाई क्या है, एरिया क्या है, ठीक है, आर एक्स एक्स जो है, आर वाई वाई क्या है, ये सब वहां से नोट कर लेंगे जैसे हम लोग करते आ रहे हैं। उसके बाद कॉम्पिटिशन ऑफ लिस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन, तो लिस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन कैसे निकालेंगे, तो मिनिमम देख लेंगे कि आर एक्स एक्स और आर वाई दोनों में छोटा कौन है, और जैसे ही पता चलेगा वो हमारा आर हो गया, बस यही निकालना है। तो जो आपने सेक्शन चूज किया है, सेलेक्ट किया है, उसमें से जो रेडियस ऑफ जायरेशन मिनिमम है उसको चूज करिए, मिनिमम देख लीजिए और सेलेक्ट कर लीजिए, ये आर निकल गया। तो ये हमारा स्टेप थर्ड है। उसके बाद सिमिलरली है, ये सिमिलर है आपका जो स्टार्ट में था। स्टेप फोर में जो देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव लेंथ, ये थोड़ा सा डिफरेंट स्टेप है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट द इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम फ्रॉम गिवन लेंथ एंड एंड रिस्ट्रेंथ। तो हम लोग को जनरली दो फ्लोर के बीच का हाइट पता रहता है, मान लीजिए इसी में आपको कॉलम डिजाइन करना है, तो ये अनसपोर्टेड लेंथ हमको दिया रहता है, एल दिया रहता है, लेकिन जो इफेक्टिव लेंथ है, ठीक है, जो इफेक्टिव लेंथ है मतलब जो लेंथ कहाँ होता है, किसके बीच में होता है, टू पॉइंट्स ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, तो उसके बीच में हम लोग निकालेंगे, एल ई निकालेंगे, या इसको एल भी बोल सकते हैं, एल निकालेंगे। तो ये डिपेंड करें, आप इसका रिलेशन देखने जाएंगे कि ये क्या है, के क्या होगा, तो के कॉन्स्टेंट कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा एंड रेजिस्टेंस से, मतलब एंड जो है किस तरह से हमारा ज्वाइंट होगा, या दिया ही रहेगा क्वेश्चन में कि दोनों एंड जो है फिक्स्ड है, हिंज्ड है, या एक फ्री है, या कुछ ऐसा दिया रहेगा आपको। तो उसके बेसिस पे हम लोग बताएंगे कि एल हमारा कितना होगा। तो आई होप कि कुछ लोगों को याद होगा ये चीज, बस एक टेबल हम दिखा देते हैं आपको, क्योंकि ऑलरेडी हमने इस पर डिस्कशन कर लिया है। तो ये हमारा टेबल देख लीजिए, इसमें इस टेबल में बाउंड्री कंडीशन मतलब जो एंड कंडीशन यहाँ दिया हुआ है, बोथ एंड पिन एंडेड मतलब हिंज, दोनों अगर हिंज सपोर्ट है, इस तरह का बोलते हैं ना आप लोग, हिंज सपोर्ट, दोनों अगर हिंज सपोर्ट है तो उसमें वन एल कर देना है, मतलब
L इक्वल टू 1.0 इंटू एल, यहाँ पे K को 1 बोलना है, ये K मान लीजिए। तो कोड का वैल्यू यूज करेंगे, थ्योरी का वैल्यू हम लोग यूज नहीं करेंगे, कोड का वैल्यू यूज करेंगे। बोथ एंड अगर फिक्स्ड है तो 0.65 इंटू एल कर लेंगे, ठीक है। एक एंड फिक्स्ड है, अदर एंड जो है पिंड है, मतलब एक फिक्स हो गया, एक हिंज है, तो उस केस में 0.8। वन एंड फिक्स्ड एंड द अदर फ्री टू स्वे, मतलब फ्री टू स्वे मतलब क्या हुआ, इधर से उधर वो जाने जा सकता है, इतना उसको इतना फ्रीडम है, ठीक है। लेकिन एक एंड फिक्स्ड है तो उसको 1.2, तो ये तो आपको केस नहीं मिलेगा। वन एंड फिक्स्ड एंड अदर एंड फ्री, एक फिक्स्ड है और एक फ्री है, तो ऐसा अगर केस होगा तो उसमें 2L करेंगे। तो ये तो आप लोग अब याद हो गया होगा कि ये चीज़ें करनी है, तो ये चीज़ें आपको दे रखी होगी क्वेश्चन में, और बेस्ड ऑन दिस हम लोग L को कितना लिखना है वो लिखेंगे। L K इक्वल इनटू L लिखते हैं इसको, इफेक्टिव लेंथ इक्वल टू K इनटू अनसपोर्टेड लेंथ, और K हमारा डिपेंड कर रहा है इस बाउंड्री कंडीशंस पे, एंड कंडीशंस पे, और उसके मदद से हम लोग इस टेबल की मदद से हम लोग वो निकाल लेंगे। क्लियर है यहाँ तक? बोलिए। यस सर ये सब याद है ना, क्या कि अब तुम लोग तो टॉस में भी पढ़ा हुआ है, टॉस में भी ये सब पढ़ा हुआ है, ठीक। यस सर, कॉलम ही सर। अब हम लोग क्या करेंगे, जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम लोग कैलकुलेशन ऑफ स्लेंडरनेस रेशियो, जैसे ही हमारा इफेक्टिव लेंथ निकल गया, ये निकल गया इफेक्टिव लेंथ जो अभी देखा था हमने के इक्वल के इंटू एल करके, तो उसके बाद हम लोग आर तो पहले ही निकाल चुके हैं। आर क्या है, ये जो है लिस्ट या मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन, ये तो हमने निकाल ही लिया है। अब इन दोनों से हम लोग क्या करेंगे, स्लेंडरनेस रेशियो निकालेंगे एल बाई आर करके, एल बाई आर करके निकाल लेंगे। उसके बाद हमारा जो चेक का है वो लगाएंगे, तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में जिसमें हम लोग उसको चेक करेंगे। चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो है उसका भी एक टेबल हमने बताया आपको सबसे पहले क्लास में, उस टेबल का यूज करेंगे और देखेंगे कि हमारा अगर जो स्लेंडरनेस रेशियो आया है, ठीक है, मैक्सिमम से कम है तो वो सेफ है, ठीक है। मतलब आप आगे बढ़िए, हमारा यहाँ तक तो सेफ है, आगे चलते हैं। अगर हमारा ये जो है जो आया स्लेंडरनेस रेशियो जो आपने कैलकुलेट किया है, अगर वो मैक्सिमम से ज़्यादा हो जाता है देन इट इज़ अनसेफ, और फिर आपको अनदर सेक्शन, कोई दूसरा सेक्शन चूज करना पड़ेगा, ट्राई करना पड़ेगा, है ना, ये चीज़ करना पड़ेगा। चलिए उसके बाद अगर बात करें जो इसमें देखेंगे सेवन्थ, अगर बात करें कि हम लोग क्या करेंगे अब, तो दो चीज़ तो हम लोग को पता चल गई, ये लेमडा पता चल गया, ठीक है, एफ वाई तो हमको गिवन रहेगा, ठीक है, किस तरह का हम लोग स्टील यूज कर रहे हैं वो दिया रहेगा। तो बेस्ड ऑन दिस ये दोनों के बेसिस पे हम लोग सिग्मा ऐसे निकालेंगे फ्रॉम द टेबल, जैसा हम लोग निकालते आ रहे स्ट्रट के केस में, सेम केसेस करेंगे। और यहाँ पे लगाएंगे इंटरपोलेशन, इंटरपोलेट करके हम लोग डेटा चूज कर लेंगे जो भी बीच में आएगा, ताकि एक्यूरेट डेटा मिले। एवरेज करेंगे डायरेक्ट, मैंने टेबल से सोचिएगा कि नहीं एवरेज वैल्यू ले लेते हैं, तो वो मे भी थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, इसलिए हम लोग एग्जैक्टली करना है तो इंटरपोलेट करेंगे और निकाल लेंगे। ये हमारा टेबल है, ये तो आप बखूबी समझ गए होंगे। यहाँ पे इस टेबल में देखेंगे तो एक तरफ यहाँ पे स्लेंडरनेस रेशियो दे रखा है, एक तरफ यहाँ पे जो एफ वाई का वैल्यू वो दे रखा है, तो अगर 250 है तो इसका यूज करेंगे, 230 है तो इसका यूज करेंगे, या जो भी यहाँ पे आपको दिख रहा है उसके बेसिस पे ये एफ वाई का वैल्यू दिया है। मान लीजिए एफ वाई 250 है तो इसमें जाके देखेंगे, 230 है तो इसमें जाके देखेंगे, 300 है तो इसमें जाके देखेंगे, ठीक है। और इधर आपको वैल्यूज दे रखा है तो दो के बीच में कहीं ना कहीं आई लाई करेगा हमारा वैल्यू, बस दो को लेके इंटरपोलेट कर लेना है। चलिए ये भी आप समझते हैं। उसके बाद जैसे ही हमारा सिग्मा ऐसे निकलेगा टेबल की मदद से, इंटरपोलेशन की हेल्प से, हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ कॉलम, जो कॉलम आप डिजाइन कर रहे हैं वो कितना लोड सेफली कैरी कर सकता है, वो निकालने के लिए क्या करेंगे, उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है जो आपने स्टील टेबल से निकाला होगा, कोई भी आपने चूज कर लिया मान लीजिए आई सेक्शन, और इसका जो भी एरिया होगा गिवन एरिया आपको मिल जाएगा, तो एरिया इन टू सिग्मा ऐसे सिर्फ कर देना है। सिग्मा ऐसे तो अभी अभी हमने निकाला है, ये स्टील टेबल से मिलेगा इनिशियली जो आपने निकाला होगा,
उसका यूज करेंगे और सिग्मा एसी जो इंटरपोलेशन करके आपने निकाला है पुट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, आपका लोड निकल के आ जाएगा, सेफ लोड है या स्ट्रेंथ बोलिए, वो आ गया। अब हम लोगों को बस ये चेक करना होगा कि क्या ये लोड जो ये स्ट्रेंथ निकला है, इसको स्ट्रेंथ बोलिए ज्यादा अच्छा रहेगा, क्या ये स्ट्रेंथ जो है हमारा लोड से ज्यादा है कि नहीं। ज्यादा होगा मतलब सेफ होगा, कम होगा मतलब सेफ नहीं है। तो ये चेक करना होगा हमको इस स्टेप में, चेक फॉर स्ट्रेंथ इफ पीडी इज ग्रेटर देन पी राइट लोड, अगर डिजाइन स्ट्रेंथ जो स्ट्रेंथ आपने निकाला है ये लोड से ज्यादा है देन सेफ, अगर ये कम है तो अनसेफ, अगर अनसेफ हुआ तो समझिए कि पूरा स्टेप्स आपको रिपीट करना पड़ेगा, स्टेप वन से लेके जो एट तक अभी आए हैं फिर से करिए, ठीक है, फिर से करना पड़ जाएगा और आपको वो करना है। तो यहाँ तक तो हो गया, कॉलम को आपने डिजाइन कर लिया, अब बात आती है कि कॉलम का एंड कंडीशन का भी डिजाइन करना होता है जब पूछा जाए तो, ठीक है। तो कॉलम का जो एंड कंडीशन है उसको भी डिजाइन करेंगे स्टेप 10 में, ठीक है, अगर लिखना है तो लिख सकते हैं, अगर हमको पूछा जाए तो ये भी हम लोग करेंगे स्टेप 10 में। एंड कंडीशन, एंड कनेक्शन, एंड कनेक्शन का डिजाइन, तो अगर ये दिया रहता है मान लीजिए तो करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। हम लोग 9 स्टेप तक कर दिया है, सेक्शन चूज कर लिया है, तो ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, बोलिए। चलिए यहाँ पे खेल है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप कैसे निकाल देंगे, क्योंकि बिल्टअप सेक्शन आएगा, बिल्टअप सेक्शन आएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने आना चाहिए, तो वही मेन है। उसके अलावा ये तो स्टेप जो आपने देखे हैं पहले भी कर रखा है, तो ये चीज़ें हैं, तो यहाँ पे यही सारे स्टेप्स हैं। चलते हैं हम लोग अब कैलकुलेशन करके देखते हैं कि स्ट्रेंथ कैसे निकलेगा, उसके बाद चलेंगे डिजाइन कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए तो न्यूमेरिकल करते हैं इस पर। सबसे पहला जो न्यूमेरिकल है हमारा, इसमें हमारा कह रहा है कि स्ट्रेंथ का कैलकुलेट करना है, सेफ लोड जो है वो कैलकुलेट करना है। सबसे पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को, कैलकुलेट द सेफ एक्सियल लोड फॉर ए ISHB 250 एट द रेट 0.3 न्यूटन पर मीटर, ये हमारा सेक्शन दिया हुआ है। अब आपको सीधा ये सेक्शन मिल गया, अब सीधा आपको ये स्टील केबल ध्यान में आ गया होगा कि हाँ स्टील केबल में जाना होगा। द लेंथ ऑफ कॉलम इज 3.5 मीटर एंड इज रिस्ट्रेंड इन डायरेक्शन एंड पोजिशन एट बेस बट फ्री एट टॉप, कहने का मतलब ये ऐसा कॉलम है जिसका एक एंड जो है ये तो फिक्स्ड है, रिस्ट्रेंड है इन डायरेक्शन पोजीशन, मतलब ना रोटेशन होगा नए पोजीशन में इधर उधर होगा, तो ये फिक्स्ड है और एक एंड जो है आपका ये फ्री है, इस तरह का है। तो आपको इस केस में एल कितना होता है कौन बताएंगे मुझे? 0.65 ये होता है क्या? ठीक है, यस यस, ठीक है। चलिए तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इतना तो हमको पता चले जाएगा, चलिए तो पहले बता दिया, बट अभी हम लोग करना क्या होगा, जो आपको ये दिया है सेक्शन, इस सेक्शन का हम लोग को प्रॉपर्टीज लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग गिवन डेटा लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या गिवन डेटा है। गिवन डेटा जो है हमारे पास, लेंथ हमें दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा एल कर देते हैं, ठीक है, लेंथ हमको दिया है दैट इज 3.75 मीटर, ठीक है। उसके बाद ये हमको दिया हुआ है ISHB सेक्शन, हमें पता है 500.3 न्यूटन पर मीटर, इसका आप प्रॉपर्टी जरा लिखिए कि क्या क्या होगा प्रॉपर्टीज। From steel table, properties of ISHB 250 क्या है? लोड ए वेट जरूर देख लीजिएगा, सेम रहना चाहिए। कौन देख रहे हैं ये बताइए, देखिए सर, एरिया है सर 64.96 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर में है, इसको बदल लेंगे 64
96 mm स्क्वायर कर देंगे। आर एक्स एक्स बताइए। आर एक्स एक्स है 10.91 सेंटीमीटर। 10.91 सेंटीमीटर मतलब हो गया 109.1 mm। उसके बाद ये बताइए सर, आर वाई वाई हो जाएगा 5.49 सेंटीमीटर। 5.49 सेंटीमीटर मतलब 54.9 mm। तो इतना हम लोगों को बेसिक रिक्वायरमेंट्स है जो कि इस क्वेश्चन में चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अभी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि रोल सेक्शन है और हम लोगों को यहाँ पे आई एक्स एक्स और आई वाई का जरूरत ही नहीं पड़ेगा क्योंकि हमको डायरेक्टली आर एक्स एक्स मिल रहा है, आर वाई मिल रहा है। चलिए तो हमारा सबसे पहला स्टेप, पर यहाँ स्टेप करना ही नहीं है बिकॉज हम लोग को सीधा लोड कैलकुलेट करना है बिकॉज दिस इज नॉट डिजाइन क्वेश्चन। तो हम लोग सबसे पहले अभी क्या करेंगे कि इसमें लिस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन निकाल लेते हैं, इफेक्टिव लेंथ निकाल लेते हैं, ठीक, और स्लेंडरनेस रेशियो निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे तो एल हमारा कितना हो जाएगा, एल निकाल लीजिए तो एल हो जाएगा आपका 2 इंटू कैपिटल एल 2 इंटू 3.7 7.5 तो 7 मीटर हो जाएगा। 7.5 मीटर हो जाएगा। तो दिस इज द इफेक्टिव लेंथ। जब इफेक्टिव लेंथ निकल गया अब हम लोग निकाल लेंगे कि आर मिनिमम क्या होगा। तो मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन बताइए, मिनिमम ऑफ आर एक्स एक्स एंड आर वाई वाई दोनों में छोटा कौन सा लग रहा है, तो 54.9 mm वाला लग रहा है। चलिए ये ले लिया हमने आर, तो जैसे ही आर निकल गया और एल निकल गया हमको अब लेमडा निकालने में कोई परेशानी नहीं है। चलिए लेमडा निकालते हैं, दैट इज सिलेंडरनेस रेशियो निकालते हैं। लिख लिया सब लोग ये डेटा? यस सर। यस सर। ओके तो निकालिए सिलेंडरनेस रेशियो। स्लेंडरनेस रेशियो हो जाएगा आपका एल अपॉन आर, तो एल को पुट कर देते हैं 7.5 इंटू 10^3 mm में आ गया। कितना आएगा सर? ये 136.6 होंगे, ठीक है, ये वैल्यू आ गया। ओके और एक चीज मान लीजिए हमको यहाँ नहीं दिया है तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि हम लोग जो है माइल्ड स्टील का यूज कर रहे हैं। ओके तो अब हम लोग को यहाँ एज्यूम कर लेना है कि एफ वाई इज इक्वल टू 250, नहीं दिया रहेगा तो आप सीधा ये ले लेंगे। तो बेस्ड ऑन दिस और दिस, ये दोनों के बेसिस पे आप निकालते हैं सिग्मा ए सी क्या होगा। इंटरपोलेशन करिए, सिग्मा ए सी निकालिए विद द हेल्प ऑफ टेबल। बोलिए क्या आएगा, किसके बीच में आएगा बता दीजिए मुझे। 130 और 140। 130 और 140 के बीच में आएगा। 130 पे कितना आ रहा है? 57। और इधर 51। चलिए तो बताइए अभी हम लोग को निकालना है 136 पे, ठीक है, इसको x1 x2 बोल दीजिए, x बराबर आप पुट कर दीजिए 136 और y बराबर पुट कर दीजिए सिग्मा एसी, ठीक है। तो सिग्मा एसी माइनस y1 इज 57, y2 माइनस y1 अपॉन x2 हो गया 140 माइनस x1 हो गया 130 और x की जगह हम लोग 136.61 पुट कर देते हैं माइनस x1, क्या आएगा सर? 53.034। यस 53.034 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलिए ये आ गया और जैसे ये आया हम लोग कह सकते हैं कि सेफ एक्सियल लोड कितना होगा। सेफ एक्सियल लोड
ठीक है, इज इक्वल टू जो एरिया आपने निकाला है इनटू सिग्मा एसी। एरिया कितना कंप्यूट किया हमने टेबल से, स्टील टेबल से 64 96 mm² इनटू, पुट कर दीजिए सिग्मा एसी 53.034 न्यूटन पर mm², कितना आ रहा है? 3445.864 newton. ये न्यूटन में आया है, बदल लेंगे तो ये 344 आएगा, 0.51 newton, किलो न्यूटन, सॉरी किलो न्यूटन, किलो न्यूटन। क्लियर है, समझ में आया सबको? आसान है ये सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिजाइनर क्वेश्चन पे चलते हैं। एक चीज हम इसमें कहना चाहेंगे बार बार कि आप लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना जरूर सीख जाइए, अगर भूल गए एक बार जरूर जाके देख लीजिए, क्योंकि मान लीजिए आई सेक्शन दिया रहेगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आई सेक्शन दिया रहेगा, प्लेट्स ऊपर लगा देगा नीचे लगा देगा, बस आपको निकालने बोलेगा कि क्या होगा स्ट्रेंथ, सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी। सो उस केस में आपको आई एक्स एक्स और आई वाई वाई कैलकुलेट करना पड़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो फॉर्मूला है उसका थ्योरम लगा के आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा दोनों से। आई एक्स एक्स निकालेंगे, आई वाई निकालेंगे, फिर देखेंगे दोनों में मिनिमम कौन सा है, फिर लेस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन निकालेंगे, तब जाके फिर स्लेंडरनेस रेशियो निकाल पाइएगा। इसीलिए आई एक्स एक्स और आई वाई निकालना आना चाहिए। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है डिजाइन अ रोल्ड स्टील कॉलम सेक्शन, डिजाइन अ रोल्ड स्टील कॉलम सेक्शन टू कैरी एन एक्सियल लोड ऑफ 100 kN। अब हम लोग को यहाँ पे लोड दे दिया, ठीक है, लोड यहाँ पे हम लोग को गिवन है कि 100 kN का लोड उसको कैरी करना है हमारे कॉलम को। द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम इज 4.5 मीटर, और इफेक्टिव लेंथ भी हमको दे दिया, तो चलिए इफेक्टिव लेंथ दे दिया, तब तो एक स्टेप हमारा ऐसे ही बच गया, राइट। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि हमारे पास क्या गिवन डेटा है इस क्वेश्चन में। तो हमारे पास जो है लोड पता है, दैट इज 100 kN। उसके बाद हमें इफेक्टिव लेंथ दिया हुआ है 4.5 मीटर, और एक चीज अब यहाँ पे पता, एक चीज और देखिए, रोल्ड स्टील कॉलम बोल रहा है, चलिए तो एक हिंट ये भी है कि रोल्ड स्टील सेक्शन यूज करना है, ऐसे भी नहीं लिखा था तो भी हम लोग करते। स्टेप वन में सबसे पहला काम अब हम लोग करेंगे कि निकालेंगे कि रिक्वायर्ड ग्रॉस सेक्शन एरिया क्या है। रिक्वायर्ड एजी इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं लोड अपॉन सिग्मा एसी एज्यूम्ड, राइट, एज्यूम सिग्मा एसी। तो इसको यूज करने से पहले हमको एज्यूम करना पड़ेगा, यहां लिख देते हैं, कितना एज्यूम कर लें बोलिए, 100 न्यूटन पर mm² ले लेते हैं, 80, ठीक है, क्यों रोल्ड सेक्शन है, आई सेक्शन ले सकते हैं, इसको एज्यूम कर लेते हैं। अगर आप 100 बोले तो गलत नहीं बोल रहे हैं, 80 to 100 इसके बीच में भी ले सकते हैं, ठीक है, अगर रेंज की बात करें तो 80 हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं, राइट। देखिए होता क्या है, इसको आप जितना ज्यादा एज्यूम कीजिएगा उतना आपको रिक्वायर्ड ग्रॉस सेक्शन एरिया आएगा, समझ में आ रहा चीज, इसको हम जितना बढ़ाएंगे उतना एरिया रिक्वायर्ड, मतलब सेक्शन एरिया उतना ज़्यादा चाहिए, है ना, उतना बड़ा सेक्शन आपको चाहिए, इसीलिए इसको घटाना नहीं है बिल्कुल, 80 है, 80 से नीचे नहीं जाना है, ऊपर जा सकते, 90 लीजिए, 100 लीजिए, वो जा सकते हैं, लेकिन नीचे मत जाइए। चलिए तो हमने 80 माना है, तो कितना हो जाएगा ये लोड, कितना है 100 × 10³, ये हो गया 80, कितना है 1250 mm² 1250 यस सर।
चलिए 1250 mm स्क्वायर हमारा ये आया रिक्वायर्ड ग्रॉस सेक्शन एरिया। अब ये जब आ गया है तो अब आप लोगों को सेक्शन चूज करना पड़ेगा। तो जरा सा स्टील टेबल में जाइए और चूज करिए, कोई भी आई सेक्शन चूज कर लीजिए जिसका एरिया इससे ज़्यादा हो। ठीक है, 1250 है तो आप 1400-1500 भी जा सकते हैं, देखिए कोई मिले तो। जस्ट थोड़ा सा ज़्यादा लीजिए तब दिक्कत आता है, डिजाइन में आपने देखा है 1250 से मान लीजिए 1300 ले लिए तो हो सकता है कहीं फेल कर जाए। क्या सेक्शन ट्राई करने वाले हैं? कितना एरिया है देख लीजिए सर, ISL भी 100 है। एरिया बताइए क्या बोला आपने, IS MB है, MB कितना डेजिग्नेशन पूरा बताइए। 100 से 100 एट द रेट 112.0 न्यूटन पर मीटर, यस। कितना इसका एरिया है? 1460 सेंटीमीटर मतलब एमएम स्क्वायर। ठीक है, और किसी का क्या था, क्या बोल रहे हैं आप लोग, और कोई भी चूज कर सकते हैं सर? ISLV 125 ISLV 125 उसका कितना एरिया है? 1512 एट द रेट क्या लिखा हुआ है सो देखिए, 116.7 एरिया 1512 mm स्क्वायर। ठीक है, मान लीजिए ये है ये है, लेकिन दोनों को यूज कर सकते हैं बट इसको हम लोग को डिजाइन करके देखना पड़ेगा। तो अब बताइए, आप ही लोग बताइए कि कौन सा सेक्शन यूज करें। मान लीजिए दो को लिस्ट में आया हमारे, और भी आ सकता है, तो इस दोनों में से किसको लिया जाए? सेकंड वाला सही है। ये देखिए क्या से बोला, और कोई बाकी लोग बताइए। हाँ सर, वही ले लीजिए सर, बड़ा रहेगा। चलिए तो वी कैन चूज, हम लोग दोनों ट्राई आप करके देखेंगे। जब आप बनाइएगा फिर से बनाइएगा एक बार, तो आप लोग इसको ट्राई कर लीजिएगा, हम लोग चलिए इसको ट्राई करते हैं। ठीक है, सो राइट नाउ हम लोग इसको ट्राई कर लेते हैं। सो ट्राई अ सेक्शन ये वाला, ठीक है, ट्राई सेक्शन ISLV दिस। सो एरिया हमको पता चल गया, इसको हम अभी यूज नहीं कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं। तो एरिया हमको पता चल गया 1512 mm स्क्वायर। जरा इसका आर एक्स एक्स बताइए, आर वाई वाई बताइए कितना कितना है। सर इसका आर एक्स एक्स हो जाएगा सर 5.19 सेंटीमीटर। ठीक है, और आर वाई वाई हो जाएगा 1.69 सेंटीमीटर। 1.69 सेंटीमीटर, सो ये हो जाएगा 16.9 mm। ठीक है, चलिए तो ये हमारा दूसरा स्टेप है, पहला किया हमने, दूसरा किया हमने उसी के बेसिस पे। अब हम लोग चलते हैं थर्ड स्टेप में, और थर्ड स्टेप हमारा क्या कहता है बोलिए? आर मिनिमम। हाँ, आर मिनिमम निकालने की बात करेंगे, लिस्ट रेंज ऑफ डायरेक्शन की बात करेंगे। सो इन दोनों को देख के आपको मिनिमम कौन सा लग रहा है, आर एक्स एक्स या आर वाई क्या लग रहा है? RYY। ठीक है, सो स्टेप थर्ड में हम निकालते हैं R, और R जो होता है मिनिमम ऑफ RXX एंड RYY। सो दिस इज एक्चुअली 16.9 mm। चलिए R पता चल गया, और जैसे ही R पता चल गया, और हालांकि हमें L ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है, स्टेप फोर का काम हमारा आसान हो गया। स्टेप फोर तो हमको करना ही नहीं पड़ेगा, बिकॉज एल इज ऑलरेडी हमारे पास है 4.5 मीटर, इफेक्टिव लेंथ ही दिया हुआ है।
इसको एमएम में बदल सकते हैं। तो उसके बाद जो हमारा स्टेप आता है, क्या निकालेंगे, स्लेंडरनेस रेशियो एल बाय आर। सो एल हो गया 4.5 इनटू 10 टू द पावर 3 और आर हो गया 16.9, कितना आएगा? टू सेवन। अब बताइए, स्लेंडरनेस रेशियो हमारा बहुत ज्यादा आया है, ठीक है, क्योंकि ये जो कॉलम है ये ना तो रूफ में यूज हो रहा है ना कहीं और यूज हो रहा है, ठीक है, रूफ ट्रस का केस ही नहीं, ट्रस का केस ही नहीं। इसमें हम लोग चेक करेंगे, अगर जैसे ही चेक करिएगा मुझे लगता है ये 180 से ज्यादा ही है ना, आपको भी लग रहा होगा क्या? यस यस अनसेफ हो जाएगा जी सर। यस अब बताइए अब क्या होगा? जनक से पूछा जैसा। तो जैसे ही हमने चेक कर, जैसे ही हम स्टेप सिक्स में जाएंगे, चेक फोर स्लेंडरनेस रेशियो, तो लेमडा जो मैक्सिमम होता है वो डायरेक्ट कंप्रेशन वो है 180, टेबल से आप जाके देख सकते हैं। बट यहाँ पे हमारा सर इसे पिछला वाला सेक्शन का भी सर अनसेफ हो जा रहा है, हो जाता। तो ये हालांकि हमारा ग्रेटर देन 180 हो रहा है, तो दिस इज अनसेफ। जैसे हुआ लिखना पड़ेगा कि ट्राई अनदर सेक्शन, दूसरा सेक्शन चूज करिए। तो अब हम लोग फिर से जाएंगे स्टेप टू पे, स्टेप टू पे जाएंगे, फिर से आगे बढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि कौन सा सेक्शन चूज करना है। तो करना क्या होगा कि हमें और बड़ा सेक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है, और बड़ा सेक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है, जिसका कि समझिए आर एक्सेस आर वाई वाई वो सब थोड़ा ज़्यादा हो ताकि हमारा लेमडा कम आए। ये अगर 180 से कम आ गया तो दिक्कत, समझ गए, यही गेम है। जब टॉस पढ़ रहे होंगे तो आप सुनते होंगे कि हम लोगों को कैसा सेक्शन यूज करना है जो ज्यादा सिलेंडर नहीं हो, है ना, बकलिंग होने का चांस रहता है, तो ये चांस रहता है, ये सब। चलिए चूज करिए आप लोग क्या करना, क्या किया जाए। क्या लग रहा है, क्या क्या करें, बोलिए। अरे सीधा क्या कीजिए ना, सीधा आप लोग आर एक्सेस और आर वाई देखिए किसी का, समझे, जिसमें एरिया भी फिट हो जाए और हमको लगता है ये भी फिट हो जाए, बस। तो उसका लैम्डा 129 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो मतलब सर सेफ होगा सर। और ये क्या लोड सही है, लोड मतलब ये एरिया सही है? यस सर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम लोग फिर से पीछे चलते हैं स्टेप टू पर। तो सर इसका एरिया बहुत ज्यादा है सर, बहुत ज्यादा है। ट्राई सर, उसका मिल तो जा रहा है लेकिन एरिया उसका ज्यादा हो जा रहा है। कितना ज्यादा एरिया, बोलिए। 3000 के आसपास सर जा रहा है, इसीलिए तो ट्रायल करना पड़ेगा ना बार बार, ताकि इकोनॉमिकल सेक्शन हमको मिले, मतलब जिसमें ज़्यादा हो जाएगा, जो सेफ हो जाएगा उसको ले लें। बट एग्जाम वगैरह में थोड़ा सा सेफ्टी ज़्यादा रखेंगे क्या, थोड़ा और ज़्यादा ले लें, क्या दिक्कत, हमको तो क्वेश्चन में स्टेप्स दिखाना है। तो आपको एग्जाम के हिसाब से तो आप कुछ भी कर सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा एरिया लेके कर लीजिए। बोलिए क्या लिया जाए सर। एक मिला सर, लेकिन सर उसका एरिया 2811 mm स्क्वायर है। ठीक है, ज्यादा होगा, ठीक है, हमको सेफ होना चाहिए। बोलिए। यस सर, सेफ तो हो रहा है।
सर ये है सर, ट्राई अनदर सेक्शन बोलिए। हाँ ISWV 175, ISWV 175 @ 216.8 न्यूटन पर मीटर, @216.8 न्यूटन पर mm मीटर। चलिए मीटर मीटर ठीक तो है। इसका प्रॉपर्टीज बताइए, एरिया कितना है? एरिया हो गया 28.11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, RXX बताइए। RXX 7.33 सेंटीमीटर। 7.3.3 कर दें। यस। चलिए RYY बताइए। 25.9 mm। 25.9 mm। mm। ठीक है, अब हम लोग स्टेप थर्ड में फिर से बढ़ते हैं। बताइए कितना होगा इसका लिस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन, बता दीजिए। आर वाई वाई टू, हाँ ठीक है, 25.9 mm। चलिए स्टेप फोर, चलिए पता है हम लोग को, स्टेप फाइव में चलिए सीधा, फोर तो पता ही है, फाइव में चलते हैं। तो इसमें हमारा हो गया लेमडा निकालना है, एल अपॉन आर करना है, एल हमें पता है 25.9 कितना आता है, 173.74। चलिए 180 से कम है इसलिए खुशी की बात है। अगर हम इसको चेक करेंगे जो स्टेप हमारा है नेक्स्ट, सो दिस इज एक्चुअली लेस देन लेमडा मैक्सिमम जो कि 180 होता है, तो 173 जो है आपका कम है 180 से, इसीलिए हमारा ये सेफ है। और अगर ये सेफ है तब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, जो नेक्स्ट स्टेप है वो है आपका सिग्मा एसी को निकालना। और सिग्मा एसी को निकालने के लिए हम लोगों को टेबल देखना पड़ेगा कोड का, और बेस्ड ऑन बोथ लेमडा और FY मान लीजिए नहीं दिया, इसको 250 हम लोग मान लेते हैं, और लेमडा तो निकाला 173.74। चलिए इसके बेसिस पे आप निकालिए तो सिग्मा एसी क्या आएगा। लिख लीजिए इसको, सर सेफ नहीं आ रहा है, 99.801 बाद में आ रहा है। सिग्मा एसी कितना आया है? सिग्मा एसी आ रहा 35.504 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ओके, तो सिग्मा एसी हमारा लाइज करेगा दो पॉइंट के बीच में, तो लेमडा हमारा हो जाएगा कितना, लेमडा है 170 और 80 के बीच में है ना। यस सर। 170 पर कितना आ रहा है, 37, और इधर 33 आ रहा है, राइट। तो सिग्मा एसी निकालने के लिए पुट करके देख लिए हैं, सब सही आ रहा है। कैलकुलेशन सब अच्छे से किए हैं ना, सो बताइए सिग्मा एसी। यस सर, भैया। यस सर। -37 अपॉन 180 -170 173.74। ठीक है, ये सही है, 170.74 सबका आ रहा है। बोलिए। यस सर। ठीक है। यस सर। तो सिग्मा एसी आपका कितना आया, 35.5। क्या और कुछ, 504 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ओके, तो अगर हम अगर अगले स्टेप में जाएंगे, स्टेप जो भी आगे है, तो हमारा जो लोड है पीडी निकालेंगे, अगर एरिया इनटू सिग्मा एसी, एरिया कितना था, 28.11 इनटू 35.504 कितना आया,
99.801 किलोमीटर। तो ये ऑलमोस्ट 100 के करीब है सर। ए जी लेंगे ना? हाँ ए जी लेंगे। तो 28 से 11 के? अरे ए जी वो नहीं, वो तो सेक्शन दूसरा लिया। रिक्वायर्ड ए जी डिफरेंट, रिक्वायर्ड ए जी अलग है। रिक्वायर्ड ए जी से सेक्शन लेते हैं और सेक्शन का जो एरिया है वो पुट कर देते हैं, है ना? यस सर। तो ये ऑलमोस्ट 100 करीब आ रहा है। तो चलिए ये कट टू कट हो गया, इसको थोड़ा और अच्छा सेक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि ये ज़्यादा तो नहीं है, कम है, नो डाउट, ये थोड़ा सा कम है। भले हम इसको 100 हम लोग कर लेंगे। हाँ एक और सेक्शन लेके देखेंगे। भले भले इसको उसको 100 कर रहे हैं, बट इट विल नॉट कैरी दैट 100 किलोन्यूटन लोड सेफली। सो यहाँ पे हमारा पीडी जो है वो इससे जो है बड़ा तो नहीं, ठीक है? ये आपको पी से जो है लेस देन इक्वल बोल सकते हैं, लेकिन इस तरह का सेफ्टी नहीं है। यही हमारा है जो चेक करेंगे। अगर तो चेक फॉर स्टैंड का कीजिएगा तो ये क्वेश्चन में आप थोड़ा सा और ज़्यादा बड़ा सेक्शन ले लीजिए, एरिया जिसका और ज़्यादा हो, और प्लस उसका स्लेंडरनेस रेशियो सेफ हो जाए, तो वो हो सकता है। अगर आपको ट्राई करना है तो कोई और सेक्शन एक ट्राई करके देख लीजिए, ठीक है? तो ये अनसेफ है एंड वी नीड टू ट्राई अनदर सेक्शन। तो यहाँ लिखेंगे ट्राई अनदर सेक्शन, ठीक है? एक और सेक्शन ट्राई कर लेते हैं क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन ही हमारे इस सेशन का। एक क्वेश्चन और, एक सॉरी टेस्ट सेक्शन और ट्राई करते हैं फिर से स्टेप। तो स्टेप टू पे हम आते हैं, ट्राई अनदर सेक्शन, वो भी सेकंड टाइम हम लोग ये कर रहे हैं। तो अभी हम लोग मान लेते हैं कि ISWB 200 ले लेते हैं एट द रेट, वेट कितना है न्यूटन पर मीटर? 282.5। एरिया बताइए इसका? 3671 mm स्क्वायर। चलिए एरिया ठीक है। और बताइए इधर? RXX है 84.6 mm। 84.6 mm, यस सर, ठीक है। RYY? अच्छा RYY है 29.9 mm, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा शॉर्टकट में चलते हैं। तो मिनिमम निकालेंगे तो देखिए मिनिमम कितना हो जाएगा, RYY क्या हो जाएगा, 29.9 हो गया, ठीक है। सिलेंडर रेशियो निकालिए L अपॉन R, 4.5 इंटू 10 पावर 3 अपॉन 29.9 कितना आया? सो 150.5, सो दिस इज लेस देन 180, सो सेफ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, लेमडा ये हो गया और FY हम लोग 250 बोलते हैं। इन दोनों के बीच में आप निकालिए, आप कितना आएगा सिग्मा SC ले लीजिए सर। 150 का डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं सर? हाँ 150 का डायरेक्ट भी ले सकते हैं। कितना आ रहा 150 पे? 45। और इधर कितना आ रहा है सर? इधर है सर 41। तो जरा सिग्मा SC निकालिए क्या आएगा, 45 के करीब आएगा मानते हैं। 44.799 आ रहा है। 44.799, चलिए 44.8 बोलते हैं। तो अब हमारा PD निकालिए, लोड सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी, एरिया इनटू सिग्मा SC। तो एरिया इज एक्चुअली 3671 एंड दिस इज 44, कितना आएगा? 164.46 किलोन्यूटन। 164.46 किलोन्यूटन मतलब ये 100 से ज़्यादा आ गया। तो ये सेफ है, सेफ है, ठीक है, क्योंकि हमने एरिया बहुत ज़्यादा लिया है। आप लोग और इसको और रिफाइन कर सकते हैं, और सूटेबल सेक्शन चूज कर सकते हैं जिसका एरिया इससे थोड़ा सा कम हो
लेकिन वो सेफ हो। तो ये आपका है प्रैक्टिस, ये आप लोग करिए, ठीक है, इससे और रिफाइन कर लीजिए। लेकिन मान लीजिए आप एग्जाम में आप करेंगे तो अगर कुछ ऐसा होता है कि मान लीजिए सेफ नहीं आ रहा है, तो हम लोग कोई बड़ा सेक्शन चूज कर सकते हैं, थोड़ा सा उससे बड़ा सेक्शन चूज कर लेंगे और कर लेंगे क्वेश्चन, है ना। और ये भी हो सकता है कि आप इनिशियली 80 नहीं, 80 को ज़्यादा मान लीजिए, जैसे 100 कहा 100 ही मान सकते हैं, ठीक है, 80 टू 100 के बीच में आप लोग थोड़ा बढ़ा के भी ले लेंगे, तो हमको वहाँ पे एरिया, रिक्वायर्ड एरिया ज़्यादा आ जाएगा। रिक्वायर्ड एरिया जैसे ही ज़्यादा आएगा तो हम लोगों को मतलब वहाँ पे पता चलेगा कि हाँ थोड़ा ज़्यादा सेक्शन ही लेना है, ठीक है, क्लियर है। यस सर, ओके।